अस्सलाम वालेकुम। आज की खूबसूरत सी वीडियो के साथ मैं कौशल शहबाज़ कौशल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कौशल शहबाज़ कौशल ऑफिशियल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की जो वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे कि सुल्तान रईस साहब ने बहुत सारी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन डिश एंटीना के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाई, लोगों ने कैसे माना, अपने घरों से डिश एंटीना को बाहर फेंक दिया और कहा कि हम डिश एंटीना नहीं देखते। ये कौन सा मामला था, कौन सा वाक़या था, कब की बात है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। प्यारे बहन भाई, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जी। नासिर अदीब की लिखी हुई फिल्म ख़ानदान, जिसमें नुमाया फ़नकार थे अंजुमन नदीम, सुल्तान रईस, हुमायूं कुरैशी, रीमा, उमर शरीफ, गुलाम उद्दीन, मल्टी कास्ट फिल्म थी, बहुत हिट रही फिल्म, मौजू ज़बरदस्त था। नासिर अदीब साहब ने कुछ सोसाइटी के ऐसे मामलों को डिस्कस किया कि जैसे मैडम रानी में कानून को बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन आज की फिल्म है ख़ानदान। ख़ानदान में उन्होंने कहा कि हम डिश एंटीना उस वक्त, अब तो मोबाइल आ गया, सब चीज़ें बदल चुकी हैं, ज़माना बदल चुका है, जिस चीज़ को कल हम गैरत अनाक कहते थे आज वही हमारे रिवाज में शामिल हो गए। कल हमारे लिए पर्दा बहुत ज़रूरी था, आज नहीं है। कि हमारे लिए मोटे कपड़े पहनने चाहिए, बारीक कपड़े की बात नहीं थी, आज बारीक कपड़े पहने जा रहे हैं। नाराज़ ना होना देखने वालों, मेरे ख्याल मुताबिक जो कपड़े पहने हुए हैं हमारी बहन बेटियों ने, वो कपड़े भी नहीं हैं। अफसोस है कि हज़रत अली ने कहा था कि मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके बीवी के लिबास से लगता है। चलो छोड़ें, लेकिन एक बुराई थी उस वक्त डिश एंटीना, आज तो हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। वो जो डिश एंटीना था, तो उसमें कहा गया कि हम इस बुराई को, बेहियाई को अपने बेडरूम तक ले आए, जिससे हमारी नस्ल तबाह बेरारवी का शिकार हो रही है। तो इस पर तो जब ये फिल्म चली, अदालत में सीन जाते हैं, अदालत में डिस्कस होती है, रईस साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, नदीम साहब ने, और इस फिल्म में रईस साहब, नदीम साहब ने और नासिर अदीब साहब ने जो सांझी, जो मिलकर जो मुश्तरक आवाज़ उठाई वो डिश के खिलाफ थी। क्योंकि रईस साहब तो बहुत सारी बुराइयों के खिलाफ किरदार अदा करते रहे हैं, कि कभी वडेरों के ख़िलाफ़, बदमाशों के ख़िलाफ़, कभी उन गुंडों के ख़िलाफ़ जो इज़्ज़त लूटते थे गरीबों की, गरीब बच्चियों की, बहुत सारी उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदतें की, वो बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन इस फिल्म में उनको जैसे हकीकी ज़िंदगी है उनकी, उस तरह का किरदार मिला। और जब बहुत सारे लोगों ने ये देखा इस फिल्म को, और जो उस वक्त लोग सिनेमा में जाते थे, आप भी जाते, लेकिन वो असर कबूल करते थे, फिल्म का एक मकसद होता था। जब उनके सामने वो मकसद आया कि ये एक बुराई है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए, तो बहुत से लोगों ने अपनी डिश बेच दी और घरों से निकाल कर बाहर फेंक दिए। ये भी सुल्तान रईस के लिए बहुत कुछ, क्योंकि फिल्म एक ऐसा मीडियम था जिससे लोग सीखते थे, सबक हासिल करते थे। लेकिन अफसोस, आज कुछ अरसा बाद ऐसी फिल्में हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेहुदा डांस और बारिश वाले गाने दिखाए गए। मैं बारिश वाले गानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हर मुल्क में हर जगह जगह जहाँ जगह होती है वहाँ ऐसे गाने भी बनाए जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में एक ट्रेंड चल गया था उसी तरह के गाने, उस तरह के बरसात के मौसम में फलां 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 बहुत कुछ होता रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मौजू भी थे जिस पे हमारे पाकिस्तान में अच्छी फिल्म बनी। आज भी आवाम, नौजवान जो इन फिल्म को देखें, तो मैं कहता हूँ कि हॉलीवुड बॉलीवुड में इनका मुकाबला नहीं है। तो आपने ज़रूर फिल्म देखनी है, और फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। क्या आप हमारी इस राय से मुतमईन हैं, और रईस साहब से कितना प्यार करते हैं, नदीम से, पाकिस्तानी फनकारों में आपको कौन पसंद है? जो भी आपको पसंद है, आपने अपनी राय देनी है और उस फनकार का नाम बताना है, और ये बताना है आप कहाँ से देख रहे हैं। तो आप हंसते हुए इजाज़ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।